धन्यवाद अविनाश भाई, आप हमेशा ही अपनी बहनों के लिए खड़े हैं, आप इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है उसके कार्यक्रम में सेंट मेरी के हॉस्टल में हम इस प्रांगण में हैं। इस प्रांगण में आज इस कार्यक्रम में सभी हमारी बहनें, मैं सभी को ऐसे जानती हूँ, और हमारी बहन है रूपा जी और लवली जी, और बहन मंजू जी योग शिविर सिखाती हैं, ममता जी और ममता मंजू दी, और आप हैं शीला दी। और मैं सबसे मिलना चाहूंगी, वैसे सबका परिचय से हम सबको पहचानते हैं, यहाँ बैठी सारी जो हैं नारी शक्ति, और पीछे भी जो मेरी बेटियां बैठी हैं देवी स्वरूपा, जो बेटियां बैठी हैं जो नारी शक्ति की पहचान है, और साथ में हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं, और मीडिया के सभी बंधुओं को, और साथ ही इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाने के लिए मैं राम श्याम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा, तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि प्राचीन समय से ही नारी जो है पूजनीय है, वंदनीय है, नारी को शक्ति के रूप में और ज्ञान की देवी के रूप में भी देखा जाता है, हम उसके प्रतीक माने जाते हैं। और ऋषि मुनियों ने तो हमारे सम्मान में हमारी नदियों तक के नाम जो है गंगा यमुना सरस्वती रखा है, इससे बड़ा सम्मान का बात क्या हो सकता है नारियों के सम्मान में। और हम जिस सरजमीन पे भी रहते हैं उस देश को भी हम भारत माता कहते हैं, ना कि भारत पिता, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें हमेशा सम्मान मिला है। पर मैं देखती हूँ कि कुछ अब हमारा जो देश था, जैसे पहले बोलते हैं कि सोने की चिड़िया थी, हम कहते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी, तो भारत देश सोने की चिड़िया थी क्यों? उस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जब पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी स्कूल नहीं थे, उस समय हमारी नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और ऐसे ऐसे गुरुकुल थे जहाँ बच्चे जो है, आज हम हॉस्टल में अविनाश जी जो चला रहे हैं हॉस्टल, ये सदियों पुराना हॉस्टल चलता था उस समय, गुरुकुल कहते थे उस समय, उस समय राजा के बच्चे और साधारण जनता के बच्चे भी वहां पे पढ़ाई करते थे। तो इतना समृद्ध देश था हमारा, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था हमारा, यही हमारे देश को आगे ले जाने का काम करता था। पर धीरे धीरे कालांतर में हम लोग क्या किए, बहुत सारी कुरीतियों को अपना लिए उस समय, छुआछूत, भेदभाव, इस तरह की कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा, और भी इस तरह की बहुत सारी प्रथा, डायन प्रथा, और इस तरह जो है हम जो है अपना विकास और देश का विकास भी को अवरुद्ध कर दे इस तरह की प्रथाओं को अपनाने में, यहाँ तक कि हम उनको ये पुरुष वर्ग का समाज हो गया, और कहने को हुआ कि महिलाओं को बाल विवाह कर दीजिए, इनको पढ़ाना नहीं है, ये पढ़ेंगी नहीं, इनको शादी कर दीजिए, घर का काम करेंगी। तो इस तरह से हम जो है हमारा देश पीछे की ओर आ गया, जबकि हमारा देश जो था वो बहुत ही विकासशील देश था, यहाँ की सभी विधि व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। तो चूंकि हम आडंबरों को अपनाने लगे, इसलिए इस तरह की हम पतन की ओर जाने लगे। तो आज के समय में जो है हम देखते हैं कि इसी तरह हुआ कि कन्या भ्रूण हत्या होने लगी, बालिकाओं को नहीं पढ़ाना है, इस तरह हम समाज का एक आधा वर्ग, जिसको बोलते हैं समाज का एक आधा जो महिला वर्ग है, वो जो है वो कमजोर हो गई, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, बहुत ही महाकांक्षी योजना है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे काम चल रहा है। आज महिला बच्चियों को बचाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, और मेरा ये मानना है कि यदि आप महिला सशक्तिकरण जो है तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे, यदि आप शिक्षित हैं तभी आप स्वावलंबी बन सकते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था, आप अपना अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं, आप किसी तरह से आपका जो है ना शारीरिक ना मानसिक हनन नहीं हो सकता है यदि आप, सबसे बड़ी बात है आज जो हम 75वां आजादी का दिवस मना रहे हैं, अमृत दिवस मन रहा है, उसमें महिलाओं के कानूनी अधिकार बहुत सारे मिले हुए हैं, पर हम कानूनी अधिकारों को नहीं जानते हैं, तो हमें अपने
अपने अधिकारों को जानना है और बस अपने सशक्तिकरण पे ध्यान देना है। मैं यहाँ बैठी सभी बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर, हर महिला के अंदर कुछ न कुछ ऐसी एक खूबी होती है। आप उस खूबी से ही अपने आप को उसमें योग्य बनाएं, अपने आप को उस कार्य में सक्षम बनाएं और आप अपने आप को सबल बनाएं, आप अपने अधिकारों को जानें। बस यही कहना, बच्चों को भी यही कहना चाहते हैं। आज के अभिभावक भी बहुत आपके ऊपर विश्वास रखते हैं और आपकी रुचियों को ध्यान रखते हैं, आप जो चाहती हैं उसी पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी कि इस लाइक कर दिया।